पहले सुन वो बता तुम्हारे साथ क्या हुआ मतलब मुंबई में चीटिंग मतलब चीटिंग कैसे हुई डिटेल में बता थोड़ा। तो गाइस दो जने अपने जिनका सबसे ज्यादा इंतजार था इतने दिनों से वो आ गए हैं फाइनली शेंकी और माधव। तो गाइस ये देखो हार उर के अब आए इनके चेहरे देखो और शेंकी तो गाइस पूरा काला हो गया है एकदम काला कैसे बात हुई है। और पहले बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ भाई ये बताओ हारे कैसे तुम गाइस ये बता क्या बोल रहे हैं इनके साथ चीटिंग हुई है कोई ना महाराष्ट्र वाला जो थे इधर उधर के महाराष्ट्र वाले तो है महाराष्ट्र वाले लोगों ने मतलब नासिक मुंबई वाले लोगों ने इनके साथ धोखाधड़ी की है इनके साथ चीटिंग की है तब इसलिए आ रहे हैं ये। बाकी तो ना गेम प्ले गाइस बहुत एक नंबर आप होते हैं है ना। चाची मिल गई क्या मिल गया क्या चाची मिल गई गाइस शंकी को कोई वहां पे पसंद आ गया ऐसा काम हो गया पूरा अब तो शंकी चक्कर लगाते हो जाएगा तो मुंबई हर महीने। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो गाइस अभी इनकी ट्रेन आई है इनको लिया है जस्ट माधव को घर छोड़ रहे हैं चलो। और कुछ बताना है मुंबई मजा मार गया है वड़ा पाव खाया मेले लेके नहीं आए मैंने बोला था भाई पैक करा के लेके आना से। ये देखो गाइस चेस कितना खुश हो रहा है शंकी को देख के पता चार पाँच दिन कितना दुखी था ये बहुत ज्यादा बेचारा पता है डिप्रेशन मारेगा था शंकी आ गया चेस इसको तो लगा छोड़ के चला गया भाई शंकी इस बार तो कितना मजा आ रहा है इसको बेचारा होता बहुत ज्यादा सैड था गैस। तो गैस फाइनली चेस भी अपना खुश हो गया क्योंकि पापा भी आ गए और शंकी भी आ गया अब चेस गया थोड़ा तसल्ली में जिएगा। The next day तो गाइस जैसे कि मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में बताया था कि मम्मी और पापा की मैरिज एनिवर्सरी है लेकिन रात को आने में बहुत लेट हो गया था फिर केक वेक तो मैं लेके आ गया था लेकिन फिर काट नहीं पाए। और गाइस एक और तकड़ी न्यूज़ ये है कि कल ही है पापा का बर्थडे तो इस वजह से फिर है ना केक रात को तो काट नहीं पाया फिर अब ये वाला केक पापा के बर्थडे की आज मतलब आज रात को कटेगा तो 12 बजे के लिए केक बचा के रखे हैं भाई ये देख लो कौन सा केक कब काम आ रहा है मम्मी की मैरिज एनिवर्सरी मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी का केक पापा के बर्थडे पे कटेगा। तो गाइस इसको देखो अभी आया है मुंबई से कल और ये बंदा अपना होमवर्क नहीं कर रहा तेरा होमवर्क क्यों नहीं कर पा रहा तू इन दो होमवर्क कर लिया सारा पूरा हो गया तेरा फोटो मंगा नहीं वो करना है भाई उसके स्कूल जाने वाले हैं कब आएंगे तेरे कब खत्म हो रही है ये समर वेकेशन 4-5 दिन ही बाकी हैं 4-5 दिन ही बाकी नहीं है मेरे ख्याल से 28 से गाइस इसके ना स्कूल खुल रहे हैं और इसको होमवर्क अभी तक नहीं हुआ सब कुछ इसने कर लिया है मुंबई भी घूम के आ गया अभी देख लो ये उसके दिन से आईपैड क्योंकि लेके गए नहीं थे मुंबई तो अभी इसको एक दिन हो गया 24 घंटे लगातार आईपैड चलाया इसने है ना सही बात नहीं बोल रहा मैं नहीं। आज के आज में तेरा सारा काम पूरा समझिए जो फोटो वोटो करानी सारे प्रिंट करा ले समझ गए। तो बस ये हो चुका है एकदम बेशरम सही बता रहा हूँ आपको। तो गाइस फिलहाल मैं निकल रहा हूँ 2 दिन काम है मुझे और गाइस गर्मी देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा हो रही है अल्टीमेट गर्मी है। तो गाइस कहीं भी बाहर निकलो थी गर्मी में अपने पानी वानी की बॉटल लेके निकलो साथ में बॉडी को हाइड्रेट करते रहो नहीं तो इस गर्मी में अगर गेम ओवर हो गया ना आपका तो सीधा गाइस एडमिट हो गए हॉस्पिटल में सही बता रहा हूँ। गाइस मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी आ रही है ना मतलब अगर घर से निकलते हैं ना अपन दोपहर को तो मतलब स्किन है ना जल रही होती है धूप से और हवा भी जल रही होती है ना बहुत गर्म होगा। तो गाइस ये अपन ब्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं कल वाला इसलिए क्योंकि गाइस कल मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया कल मेरे भैया आए हुए थे और मैं शंकी को भी लाना था तो भाई इस चीज़ में बहुत बिजी रहा मैं। और गैस फिर भैया आए थे फिर हम कुछ खाने पीने चले गए थे ऐसे ही थोड़े मार्केट वार्केट के चले गए थे पता नहीं क्यों मैं व्लॉग बना नहीं पाया तो इस वजह से गैस कल बिल्कुल भी मेरे ना मतलब रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो वो 2 दिन बाद गैस फिर आएंगे तो फिर तब अपन घूमने वूमने चलेंगे तो पूरी व्लॉगिंग करूँगा मैं उनके साथ एकदम बढ़िया आपको मिलवाऊंगा उनसे। और गैस हाँ मैं ये बता रहा था फिर कल क्या है गैस है ना मैं घर आने में भी थोड़ा लेट हो गया था तो मुझे कल याद तो था मतलब ना जब पापा से बात हुई थी कि पापा मम्मी की एनिवर्सरी है वैसे तो मेरे को कुछ याद नहीं रहता लेकिन बाई चांस मुझे बता दिया था पापा मम्मी ने कि है ना एनिवर्सरी है तो मैं गाइस रात को आता आता फिर मुझे 10 बज गए थे फिर मैं केक लेके आ गया और केक लेके नहीं आया केक ऑर्डर किया मैंने रास्ते में गाड़ी में गाड़ी चला चलाते मैंने केक ऑर्डर कर दिया फिर जितने मैं घर आया उतने केक भी आ गया मेरे आने के 10-15 मिनट बाद फिर लेकिन केक जैसे ही आया तो फिर है ना तब मेरे मम्मी पापा दोनों ही सो गए थे फिर मैंने कहा चलो ठीक है आप तो क्या कर सकते हैं फिर गैस
कल ही मतलब है ना मेरे पापा का बर्थडे, फिर मैंने सोचा ठीक है चलो अब आज रात को केक कटिंग कर लेंगे, ये उस एनिवर्सरी में तो नहीं कट कर पाए केक, तो कोई नहीं बर्थडे वाला काम हो जाएगा पूरा, तो ये रीज़न है गाइस केक ना कट करने का। A few moments later. ये गाइस देख लो इसको, अभी घर पे आया हूँ, अभी भी ये ना पढ़ने नहीं बैठा। फोटो चुका नहीं, फोटो लिया तेरी फोटो आ गई परी लेके आ गया तो काम करने बैठा अपना सारा चुपका नहीं आया बस। राज हमारा काम वाम करके फ्री भी हो चुका, घर भी आ चुका, मैंने उसको बोला था अब देखो सोने की एक्टिंग करेगा ये ना, सोने की एक्टिंग करेगा और सही में सो जाएगा है ना सही बात ना हाँ। ये है सबसे ज़्यादा हमारा छात्र निंजा है, सिर्फ उसको चैज संभाल सकता है। चल चल खड़ा हो, काम करने बैठ, चल ओए सोना नहीं है है, चल खड़ा हो काम करने बैठ अपना, कब करेगा काम फिर? ट्यूशन करने गया तू सुबह, ये बल्ला पहले बता। पता नहीं था उठा ही लेट, सब पता होता था जान मुझ के नहीं करता, थक गया था ना बस, पता था इसका सुबह ट्यूशन है, जान मुझ के लेट उठाए है ना। खड़ा हो खड़ा हो मजाक नहीं कर रहा सही में, बस लेट उठा था। कितने बजे उठा था? 9 बजे। तो रात को पता नहीं था ट्यूशन है तेरी, झूठा बोल, थका हुआ था ना, अभी पढ़ने बैठ चल, जब इतनी लेट तू 9 बजे सो के उठा है अब क्या सोने की जरूरत है? क्या थक गया पता, पूरे दिन गर्मी था, बास्केटबॉल भी नहीं गया, काम करने बैठ जल्दी, बास्केटबॉल खेलने जाऊंगा उसके लिए रेस्ट कर रहा हूँ। हो गया तेरा रेस्ट बेटा, तो जितना तो खेलना था ना तूने सब दिखा दी मुंबई में, हार के आए हो ना तुम जाओ पहले सुन वो बता तुम्हारे साथ क्या हुआ मतलब मुंबई में, चीटिंग मतलब चीटिंग कैसे हुई डिटेल में बता थोड़ा। पहले तो मैं सुन हमारे फाउल दे नहीं रहे थे और उनका मेन प्लेयर था एक जन खेला आता था उसका फाउल था, किसी और जने को फाउल दे दिया, उसको निकालने की प्लानिंग थी, तो फिर सर ने बोला कि मैच ही रुकवा दिया सर ने बोला ऐसे तो हार ही जाएंगे, जीत रहे थे हम तो। रेफरी होता है क्या उसमें? रेफरी उनके साइड था क्या? तुमने रेफरी को बोला नहीं? बोला था यही कि तुम बहाना मार रहे हो हारने का हार के उसके बाद ही बहाना मार रहे हो चीटिंग नहीं, वो तो फिर हमने मैच ही बाहर निकल गए। अच्छा मैच ही पूरा बाहर निकल गया, चलते मैच में बाहर निकल गए। फिर अगले मैच में तो हम खेल रहे थे, पास मैच चल रहा था, फिर जैसे ही लीड आती थी हमारा फ्लो बनता था वो मैच रोक देते थे, वो 10 मिनट का क्वार्टर होता है वो 5 मिनट का कर रहे थे, जैसे दूसरी टीम का लीड आती थी वो क्वार्टर का हाँ। लीड क्या होता है? क्या लीड क्या होता है? हम वो आगे पॉइंट्स मतलब आगे जाते थे, वो क्वार्टर ही खत्म कर देते थे 5 मिनट का कर देते थे 10 मिनट के लिए का। इतनी नाइंसाफी है तुम्हारे साथ? हाँ कोई नहीं सोचा सोचा सोलह सर ठीक।